वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक साउथ इंडियन रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है उपमा। इट्स वेरी हेल्दी। ब्रेकफास्ट में साउथ में ये मोस्टली बनता है। मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। आप कुछ होगी एक कटोरी सूजी जो कि आपको भून के रख लेनी है। प्रोसीजर बता देती हूँ। आपको सूजी लेनी है, कढ़ाई में उसको अच्छे से ब्राउन करना है। जैसे वो लाइट ब्राउन हो जाएगी आप उसे निकाल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी भून के रख ली है। आपको चाहिए होगी बारीक कटे हुए ऑनियन। वेजिटेबल्स में मैं यूज कर रही हूँ गाजर, आलू, गोभी, धनिया गार्निशिंग के लिए। टमाटर चाहिए होगी कटी हुई, लहसुन, अदरक और मटर मैं यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। मसालों में आपको चाहिए होगी साबुत मिर्ची लाल ये वाली, और आप यूज करेंगे राई, नमक और गरम मसाला। कटी हुई बारीक मिर्च भी आपको चाहिए होगी। तो चलिए अब आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। आपको लास्ट के लिए मूंगफली भी रखनी है गार्निशिंग के लिए। मूंगफली का ध्यान रहे कि वो भुनी भी होनी चाहिए। और मैं वेजिटेबल्स में कटी हुई गोभी भी यूज कर रही हूँ। अब आपको 2 टेबलस्पून ऑयल गर्म होने के लिए रख देना है। मैं रख चुकी हूँ। जैसे ही वो आपको गर्म हो जाएगा इसमें आपने राई डाल देनी है और आपने साबुत मिर्ची इस तरह से राई अच्छी लगती है उपमा में जब लास्ट में निखर के आती है। इन दोनों को आपने हल्का हल्का ब्राउन कर लेना है। अब आप इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक, मिर्ची और यहाँ पे साइड ब्राउन ऑनियन। अब हमने इसमें ऑनियन डालनी है। ऑनियन को लाइट ब्राउन कर ले। जैसे आपके ऑनियन लाइट ब्राउन हो जाएंगे उसमें आपने वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे आपके सारे गाजर, काली कटी हुई आलू, मिक्स एंड वेल। इस तरह से आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि अच्छे से भूने। अब आपने इसमें टोमेटो डाल देने हैं। अब हम इसमें नमक और अपने मसाला ऐड करेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालें। नमक मैंने इसलिए डाला है ताकि आपके टमाटर गल जाएं और आलू भी पक जाएं। इनके पकने पर अब हम इन्हें मटर ऐड करेंगे थोड़े से। इनके पकने का हमें वेट करना है 2 से 3 मिनट। चाय का ढक के रख दीजिए। अब आप इसमें आपकी भुनी हुई सूजी ऐड करेंगे। मिक्स इट वेल इस तरह से। साथ ही साथ मूंगफली भी डाल दे भुनी हुई। अच्छे से मिक्स करें। सूजी तो पहले से भुनी हुई थी। मिक्स करने के बाद आपने इसमें वाटर ऐड करना है।
क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पक चुका है इसलिए ज्यादा वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं है। पर चीज इस तरह से आपको गोलाकार में हिलाते रहना है। अब ये बिल्कुल पक चुका है, देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अभी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। टेस्ट करके देख लें कि पक गया है या नहीं, अगर आपको नहीं गैस कर पा रहे हो। बाकी ये अच्छी सी खुशबू छोड़ने लग जाएगा। गैस बंद करके अब मैं इसे सर्व कर ले रही हूँ। तो बिल्कुल तैयार है आपका सूजी का उपमा। कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी हमें जरूर बताएं। आप कोई रेसिपी बनाना चाहते हैं तो सजेस्ट जरूर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। खाते रहें इजी हेल्दी डिशेस डेली। थैंक यू सो मच।